फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ दो तरह के वड़ा पाव। उसके लिए मैं पहले रेडी कर रही हूँ सूखी चटनी वड़ा पाव की। तो उसके लिए मैंने ले ली है लहसुन की कुछ कलियाँ, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, मूंगफली और रेड चिली, वो भी सूखी हुई, और तेज़पत्ता यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती तो मत डालिए। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा जीरा और दो तरह की रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मूंगफली ले रही हूँ, उसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद उसको निकाल देंगे, ये ड्राई रोस्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये निकाल ली है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई रेड चिली। इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। सूखी चटनी मैं बना रही हूँ, ये मैं दोनों स्टाइल के वड़ा पाव में यूज़ करूँगी। गुजराती स्टाइल का वड़ा पाव बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ बॉम्बे स्टाइल का वड़ा पाव। तो दोनों ही वड़ा पाव में मैं ये चटनी यूज़ करूँगी। मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं गुजराती में कैसे वड़ा पाव बनाते हैं स्टॉल वाले भी और घर पे भी, तो मैं उसी तरह से आपको गुजराती स्टाइल का वड़ा पाव बताऊँगी। और बॉम्बे स्टाइल का वड़ा पाव मैंने खाया है, जब मैं बॉम्बे गई थी तब मैंने खाया था, तो मैंने जिस तरह से खाया है मैं उसी तरह का बनाने का ट्राई करूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है गार्लिक और गार्लिक को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रेटेड कोकोनट, ये ड्राई ग्रेटेड कोकोनट है, मार्केट में अवेलेबल है ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ, तो मैंने वही इस्तेमाल किया है और इसे भी ड्राई रोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे कोकोनट ड्राई हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोकोनट भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसे भी हम साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें ड्राई रोस्ट की है उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। पाउडर फॉर्म मैं नहीं करूँगी, अगर आप चाहे तो पाउडर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी क्योंकि वड़ा पाव के बीच में जब कुछ क्रंची सा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और इसे मैंने दरदरा इस तरह से पीस लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, तीखी वाली मिर्च और कश्मीरी मिर्च दोनों ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और रेडी है हमारी वड़ा पाव की चटनी। तो देख लीजिए, अब चलिए बनाते हैं गुजराती वड़ा पाव वर्सेस बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे कुछ पाव, और जैसे कि मैं रहती हूँ यूएसए में तो इंडियन पाव अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे,
ग्रोसरी स्टोर हमारा बहुत दूर है, तो मैं जो पाव अवेलेबल थे वो बन में लेके आई हूँ और कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं बनाने के लिए वड़ा पाव। तो जैसे कि बटाटा वड़ा मेन है वड़ा वड़ा पाव का, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। अगर आप चाहें तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पकौड़ी भी मैंने यहाँ पे दिखाई जो बेसन की बनाई है उसकी, वो भी मैंने वही वीडियो में डाली है, उसको भी मैंने कैसे बनाया है मैंने बताया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजराती स्टाइल से वड़ा पाव। तो सबसे पहले वड़ा पाव गुजराती स्टाइल से कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लोहे का तवा, उसके ऊपर मैंने एक चम्मच जितना ऑयल रखा है और ये जो सूखी चटनी मैंने बनाई है वो मैंने उसके ऊपर डाल दी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब स्ट्रीट फूड में मिलता है तो वो लोग बटर का ही इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एक चम्मच जितना ऑयल डाला है, उसके ऊपर सूखी चटनी जो हमने बनाई वो डाली है और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने डाल दी है चॉप की हुई। अब यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा आधी चम्मच जितना और डाला है। और यहाँ पे मैंने बन ले लिया है, उसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे जो भी हमने चटनी स्प्रेड की है, और बन को हम दोनों तरफ से सेकेंगे। वैसे ये बटर में बना हुआ बहुत ही टेस्टी लगेगा मोर देन ऑयल से बना हुआ। आप जो चाहे आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। कभी कभी ट्राई कर लेनी चाहिए डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई चीज़ें। तो यहाँ पे मैं गुजराती स्टाइल से बना रही हूँ और मैंने देखिए दोनों तरफ से पाव को सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, मैंने दो चटनी बनाई थी, एक थी कोरिएंडर और फुदीना की चटनी और एक मैंने बनाई नहीं थी, वो मैंने बाहर से लाई हुई बॉटल में जो मिलती है वो थी। तो कोरिएंडर और फुदीना की चटनी मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो वही मैं एक बन पे वो लगाऊंगी और दूसरे में खजूर और इमली की चटनी ये मैं लगा दूंगी। गुजराती हैं तो खट्टा मीठा ही खाएंगे, तो एक तरफ मीठी वाली खजूर इमली की चटनी मैंने लगा दी और दूसरी तरफ मैंने फुदीना और कुथमी की चटनी लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ जो जब वड़ा पाव बनाए थे तब मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो है। और थोड़ी पकौड़ियाँ हैं और फिर वड़ा है। वड़ा हमारे यहाँ इस तरह प्रेस करके फिर बन में डाला जाता है और फिर दोनों को मैंने जॉइन कर लिया। देख लीजिए ये बन गया है गुजराती स्टाइल से बना हुआ वड़ा पाव चटपटा। अब बनाते हैं मुंबई स्टाइल से वड़ा पाव जो मैंने खाया था। कई तरह के डिफरेंट वड़ा पाव मिलते हैं बॉम्बे में, लेकिन मैंने जिस तरह से खाया था तो मैंने उसी तरह बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बन पे मैं लगा दे रही हूँ ग्रीन चटनी और उसके ऊपर पकौड़ियाँ और वड़ा। वड़ा यहाँ पे पूरा रखते हैं, गुजरात में जब खाते हैं तो उसको प्रेस कर दिया जाता है। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सूखी चटनी जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से डालिए। मैं थोड़ी स्पाइसी लवर हूँ, मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ, तो मैंने इस तरह से बनाया है। उसके ऊपर अब बन रख देंगे। और बॉम्बे का वड़ा पाव मिर्च के साथ खाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे रख दी है एक मिर्च, हरी मिर्च। तो ये मैंने इस तरह से बॉम्बे में खाया था। तो मैंने दो टाइप के वड़ा पाव खाए हैं, गुजराती स्टाइल का और बॉम्बे स्टाइल का, और मुझे दोनों ही बेहद पसंद है।
मैं ये नहीं बोलूँगी ये अच्छा है वो अच्छा है, दोनों ही अच्छे ही हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाने हैं तो दो टाइप के बना सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर चिपका देना। मिलते हैं एक नई रेसिपी या फिर कोई ब्यूटी टिप के साथ। सी या।